2008 मॉडल की ऑल्टो हमारे पास मौजूद है। भाई जो लोग बोलते हैं कैसन भाई पुराने शेव में जैपनीज ऑल्टो कहाँ है मार्केट से, तो भाई यहाँ है। तो भाई हमारे एक भाई हैं जो बोलते हैं कैसन भाई पुराने मॉडल भी खैबर वगैरह जो है वो ऐड कर लिया करें। तो जो भी भाई हमारे बोलते हैं ना कैसन भाई ओरिजिनल गाड़ी जो है वो चाहिए, अच्छी कंडीशन की गाड़ी चाहिए, कलर वाली गाड़ी ना हो, तो 2009 मॉडल ऑल्टो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एसएन शाह, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली काफी टाइम से मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट ये थी कि एसएन भाई हमारी जो है वो रेंज काफी कम है और हमें जो है वो किस्तों पर गाड़ी चाहिए। तो फाइनली जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरे चैनल पे अपलोड हुई है वो आप लोगों ने देखी होगी, तो भाई उन भाइयों की रिक्वेस्ट भी आज फाइनली मैंने जो है वो पूरी कर दी है, जिसके अंदर आप लोग जो है वो किस्तों पे गाड़ी ले सकते हैं, यानी कि बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं। वो सारा तरीका जो है वो आप लोगों को उसके अंदर वीडियो के अंदर बताया। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके आप लोग जो है वो देख सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर सबके मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट करें, मजीद जो डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद आए थे हमारी लास्ट वीडियो पे जो कमेंट्स आए थे थोड़े से वो मैं आप लोगों को जो है वो बताता चलूं। सो सबसे पहला जो कमेंट आया था हमारे पास वो आया था हमारे मोहम्मद कासिम भाई का, उसके बाद अदीम भाई का कमेंट आया था, फिर तो सैफुल्ला भाई का भी जो है वो कमेंट आ चुका है यहाँ पर जो है वो। सैफुल्ला भाई हमें बोलने के लाहौर से हैं और हमसे मेरे ख्याल से मिले भी थे, इन्होंने जो है यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा और हमारे बहुत सारे भाइयों ने, जिसमें कि वसीम शाह भाई हमारे भाई माशाल्लाह से हर वीडियो पर जो है वो कमेंट करते हैं, तो वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो दिल से आपका। इसके अलावा हमारे तहरीम बलोच साहब जो है वो हमारी हर वीडियो में जो है वो आके कमेंट करते हैं, हमें जो है वो देख रहे होते हैं, तो आप लोगों की मोहब्बत है भाई, आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा राशिद अजीज भाई जो है वो हमारी हर वीडियो पे जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बाकी इसके अलावा इरफान भाई का भी कमेंट यहाँ पर जो है वो आ चुका है। इसके अलावा एक भाई का हमारे जो है वो कमेंट आया भाई, ये बोलते हैं कि भाई मैं आपकी सारी वीडियोज जो है वो देखता हूँ, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप लोगों का प्यार है। और ये भाई जो है वो हमारे भावलपुर से हैं भाई, आपका नाम मेरी यहाँ पर जो है वो समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन आपके प्यार से जो कमेंट लिखा है वो बिल्कुल मैंने जो है वो पढ़ लिया है आपका कमेंट। इसके अलावा जो है वो आफ्ताब भाई का भी कमेंट हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा भाई मुबीन भाई का भी हमारे पास कमेंट आ चुका है। अलावा नादिर खोसा साहब का भी जो है वो कमेंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा कुद्दूस अली भाई का भी जो है वो हमारे पास कमेंट आ चुका है। तो भाई ये हमारे वो भाई हैं जिनके नाम मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करे, जो हमारी वीडियोज देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे जो है वो प्यार करते हैं, जो हर वीडियोज में आके कमेंट कर रहे होते हैं, बस ये कि इनकी मोहब्बत है जो आगे कर रहे हैं, वरना किसी को जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी दूसरी एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से यहाँ पर जो है वो करना चाहूंगा, देखें हर वीक मैं आप लोगों की वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ, शोरूम्स भी जा रहा होता हूँ, अलग अलग घर की गाड़ियां भी आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ, और आप लोगों को पता है कि संडे कार मार्केट में कितना टफ डे होता है, जो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हमसे संडे वाले दिन मिलते हैं आके, उनको जो है वो मालूम है कि हम वीडियोस किस तरीके से जो है वो बना रहे होते हैं। सो इस बात के लिए एक लाइक तो जो है वो ज़रूर बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने जो है वो कुछ भी पे नहीं करना, नीचे आके वीडियो को लाइक लाजमी करा करें, ताकि हमारे जो और भी लोग हैं जो गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं उन तक भी ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। बाकी अगर आपके भी कोई रिलेटिव हैं जो गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर कर दिया करें। बाकी अभी भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एंड में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि भाई आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी, कौन सी गाड़ी के रेट ज़्यादा थे, कौन सी गाड़ी के रेट कम थे, ताकि जब हम नेक्स्ट संडे जाएँ तो आप लोगों ने मजीद जो है वो वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो बस वीडियो इन्जॉय करें, एंड में आपसे मुलाकात होती है। 99 मॉडल खैबर। तो भाई हमारे एक भाई हैं जो बोलते हैं कैसन भाई पुराने मॉडल भी खैबर वगैरह जो है वो ऐड कर लिया करें, तो ये गाड़ी मुझे नज़र आई तो मैंने बोला चलो यार ये ऐड करते हैं। अच्छा इस गाड़ी की अगर बात करें तो देखें ऊपर से गाड़ी ओरिजिनल है, यानी कि इसकी बोनट देखें, छत देखें, फेंडर वाली साइड है देखें, नीचे से इन्होंने शावर कराई है, ये जो नीचे की साइड है आप लोगों को दिख रही है ना, ये चीज़ें इन्होंने शावर कराई हैं, बाकी गाड़ी इन्होंने ओरिजिनल रखी है। बाकी कोई एक आध पीस होगा तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो बता देंगे। भाई एक हमारे सब्सक्राइबर भी आए हैं भाई, गाड़ी भी देख रहे हैं, साथ साथ गाड़ी आप लोगों को जो है वो दिखाते हैं किस तरीके से। तो रिम विम लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, तो देखें अभी पैसे ऐसे हुए हैं ना मार्केट के, देखें आप लोगों के सामने एक पुरानी गाड़ी मिल रही है, देखें अगर पसंद आए सौदा बनाए इंशाल्लाह ताला। जब बातचीत करता है ना बंदा तो देखें डिमांड एक अलग चीज़ है, लेकिन जब बंदा बात करता है ना खड़ा होता है कैश लेके तो बोलता है हाँ यार चलो यार इसको दे ही देते हैं। तो ये वाला जो है वो सीन होता है। गाड़ी की फ्रंट आप लोगों ने देख लिया, गाड़ी की बैक साइड वगैरह भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देख लें दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी के क्लियर हैं, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स गाड़ी के अंदर लगी हुई हैं। टायर्स की अगर बात करें टायर्स वगैरह भी गाड़ी के आप लोगों को नॉर्मल मिल रहे हैं, यानी कि लेके आप लोग जो है वो चला सकते हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों को गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ से जो है वो दिखा दूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी जो है वो आप लोग देखें यहाँ से सारी साइड आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर से गाड़ी कैसी है ये, तो यहाँ से आप लोग गाड़ी का जो है वो इंटीरियर भी देखें, इंटीरियर में आप लोगों को दिखाता हूँ सारी साइड आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें, गाड़ी के डोर पैनल देख लें, जितना हो सकता है देखें गाड़ी में आप लोग अच्छे से दिखा रहा होता हूँ। बाकी कोई चीज़ अगर आप लोगों को पूछनी हुआ करें
नीचे कमेंट कर दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला जो भी हमें भाई कमेंट करेंगे तो उनको रिप्लाई भी इंशाल्लाह ताला जो है मिल जाएगा। अंदर आ जाते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात कर लेते हैं। डैशबोर्ड वगैरह आप लोग जो है वो देखें। अच्छा, डैशबोर्ड की कंडीशन जो है वो आप लोगों के सामने है, ऊपर से मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, वुडन स्टेयरिंग जो है उसमें लगा हुआ है, जो ओल्ड स्कूल कार होती थी, देखा होगा आप लोगों ने पुरानी वाली, उस तरीके से जो है वो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बाकी गाड़ी का मीटर आप लोग करीब से जो है वो देखें। गाड़ी की सीट्स वगैरह की अगर बात की जाए, गाड़ी की सीट्स वगैरह आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें। नीचे रबर मैट्स वगैरह डले हुए, बेटा हाथ हटाओ, तो ये भी आप लोग जो है वो देखें। बाकी यहाँ से बैक साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बैक साइड वगैरह आप लोग देख लें। नीचे के डोर्स आप लोग जो है वो एक नज़र देखें। अंदर आ जाते हैं, ऊपर वाली साइडों की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो देखें। तो ये तो हो गई बात इंटीरियर की, चलते हैं ज़रा गाड़ी का जो है वो इंजन रूम भी देख लेते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। जाओ बेटा, शाबाश। आ चुके हैं इंजन रूम की तरफ, ये भी आप लोग जो है वो चेक कर लें, फ्रंट साइड वगैरह देखें। ठीक है, इसी तरीके से गाड़ी के कुप्पे वगैरह मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। तो ड्राइव बैटरी जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुई भी है। बाकी आप लोग यहाँ से भी जो है वो देख लें, वायरिंग वगैरह जो है इन्होंने न्यू कराई हुई है, आप लोगों सामने जो है वो नज़र आ रहा होगा। बाकी बैक की पूरी जो शील्ड है वो आप लोग देखें। इसी तरीके से गाड़ी का राइट हैंड साइड का जो कुप्पा है वो भी आप लोग जो है वो एक नज़र देख लें। सो ये कंप्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का यहाँ से दिखा दिया। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं, इस गाड़ी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा भाई, जिनकी ये गाड़ी है। हमजा भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई मॉडल शुरू में मैंने 99 बोल दिया था, लेकिन 2000 है, ऐसे 2000 का मॉडल है जी। ठीक है हमजा भाई, बाकी डिटेल्स वगैरह दें गाड़ी के बारे में, क्या है हिसाब किताब है इस गाड़ी का। सर ये गाड़ी बाहर से अंदर बाहर से पूरी जर्मन गाड़ी है, स्टॉक गाड़ी है, इंजन अपना है इसका, टायर रिम टायर लगे हुए हैं, अंदर से कोई काम नहीं है, एसी सस्पेंशन हुआ हुआ है, एसी भी ऑन है इस गाड़ी की, एसी वगैरह हर चीज़ प्रॉपर यानी कि वर्किंग में है गाड़ी, हर चीज़ वर्किंग में है गाड़ी। ठीक है, तो भाई ये आप लोग देख रहे हैं, ये गाड़ी के डिटेल्स हैं। अभी कोई लेगा तो मकसद कुछ करवाने की जरूरत कुछ भी नहीं करवाने की जरूरत है। ठीक है, कोई टेंशन वाली कोई टेंशन वाली बात, CPLC टैक्स नंबर प्लेट हर चीज़ से क्लियर मिलेगी, हर चीज़ से क्लियर। अब पैसे भी सर ऐसे बोलते हैं कि देखें पुराना मॉडल है, पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो पैसे पुरानी गाड़ी वाले बोलिएगा, मुझे नई गाड़ी वाले प्लीज़ ना बोलिएगा। सर देखिए, वैसे तो दादा डिमांड 4.5 कर रहे थे, लेकिन जो है आपके उस पर जो है हम 4,20,000 रुपये जो है कर देंगे, जो एहसन भाई के उससे आएगा। तो ठीक है भाई, देख लीजिएगा, हमारे जो नाम लेके कॉल करेगा रेफरेंस दे दीजिएगा, भाई हमने वीडियो देखी थी, तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा, अगर पैसे लगाएंगे इस गाड़ी के, बातचीत करेंगे, तो क्या पता अच्छे में सौदा बन जाए। जी बिल्कुल। ठीक है हमजा भाई, अपना नंबर भी एंड में जो है वो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। 0330-0330-2859-2859-403-403। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताइएगा, कितना सीसी सर? 800 सीसी। जी 800 सीसी। और एवरेज? एवरेज तकरीबन 12 का जो है वो एवरेज है। तो ये डिटेल्स हैं भाई, कॉल करिएगा, मजीद मालूम लीजिएगा। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। 2009 मॉडल ऑल्टो। तो भाई आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई मैं सिर्फ ऑल्टो की वीडियो बनाने आया हूँ, मार्केट में ऑल्टो ही जो है वो बार बार हमें मिले जा रही है। तो ये आप लोग चेक कर लें गाड़ी, पहले जो है वो देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी भाई ने गाड़ी जो है वो रखी हुई है, गाड़ी पूरी इन्होंने ओरिजिनल रखी हुई है। बाकी अभी मेरी भाई से बात हुई, भाई बोल रहे हैं भाई हमने एक पीस भी इसका जो है वो गाड़ी का शावर नहीं करवाया। बाकी एक जाहिर सी बात है, अभी मैं खुद भी देख रहा हूँ गाड़ी, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। बाकी ये कि जब बातचीत करेंगे एंड में, तो फिर हम जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो भाई से जो है हम लोग पूछ लेंगे। गाड़ी की लाइट वाइट बिल्कुल क्लियर, बम्पर्स सामने से बोनट्स वगैरह कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स नहीं है गाड़ी के अंदर, नॉर्मली व्हील कैप वगैरह लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। चलते हैं चल के ज़रा गाड़ी का बैक व्यू भी देखते हैं कि गाड़ी बैक साइड से किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। तो मेरे साथ साथ ही आप लोग गाड़ी जो है वो यहाँ से देखें, ये आप लोग जो है वो चेक करें, गाड़ी की बैक की दोनों लाइट्स बिल्कुल ओके आप लोगों को साफ़ सुथरी नज़र आ रही होंगी, यानी कि पूरा यानी कि यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों के सामने क्लियर है। गाड़ी की छत की अगर बात की जाए तो रूफ़ भी आप लोग जो है वो एक नज़र देखें। इसी तरीके से अगर हम बात करें गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी आप लोग बैक साइड से यहाँ से देख लें। चलते हैं चल के गाड़ी का आप लोगों को इंटीरियर वगैरह विज़िट करवाते हैं, इंटीरियर से किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। तो ये आप लोग जो है वो देखें, दरवाज़ों के नीचे के कॉर्नर्स वगैरह आप लोग देख लें, गाड़ी की डोर पैनल्स आप लोग देखें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा रहा हूँ, नीचे से फुटपाथ। अंदर आ जाते हैं, अंदर से अगर बात की जाए गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। बाकी सीट्स वगैरह की बात की जाए, सीट्स वगैरह आप लोग देख लें, कंपनी वाली इन्होंने सीट्स रखी हुई हैं, डिमांड में भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि ओरिजिनल इन्होंने रखी हुई है भाई। तो अभी बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या पता कौन मुनासिब में भाई जो है वो गाड़ी दे दें। ऊपर से आप लोग प्लस नीचे की साइड है, और इसी तरीके से बैक की जो सीट्स हैं वो भी आप लोग जो है वो देख लें। तो ये पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जितना दिखा सकता हूँ। बाकी ये बातचीत करा करें, जो गाड़ी के ऑनर्स होते हैं उनसे चीज़ें पूछा करें। ऊपर की सारी साइड है, सीले वगैरह आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें।
बाकी यहाँ से मैं आप लोगों को ऑनर सिखा देता हूँ। इस साइड भी देखना है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी देखना है। कंपनी फिटेड, तो कंपनी फिटेड इसके अंदर आप लोगों को सीएनजी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये भी आप लोग देख लें, यहाँ से भी बिल्कुल इन्होंने साफ़ सुथरा रखा हुआ है, नीट एंड क्लीन करके। नीचे वाली साइड भी मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो जितना हो सकता है भाई यहाँ से दिखा देता हूँ। इतनी जगह होती नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी मैं आप लोग को दिखा रहा होता हूँ। इंजन रूम चल के देखते हैं भाई, इंजन रूम से गाड़ी किस कंडीशन में आप लोगों को मिलती है। इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, इंजन रूम में सबसे पहले तो आप लोग गाड़ी की जो फ्रंट की पट्टी है वो एक नज़र जो है वो यहाँ से देखें। इसी तरीके से गाड़ी की जो है वो आप लोगों को कुप्पे वगैरह में दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग टिकली वगैरह जो है वो देखें, बैक की शील्ड आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें। बाकी लेफ्ट हैंड साइड का कुप्पा भी आप लोग यहाँ से नज़दीक से जो है वो देखें। सो ये कम्प्लीट व्यू है गाड़ी का, गाड़ी आप लोगों को जो है वो अच्छे से दिखाई मैंने। गाड़ी के ऑनर के पास चलते हैं, मज़ीद मालूम लेते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं अहमद भाई, जिनकी ये गाड़ी है। सर गाड़ी तो हमने टोटली जो है वो दिखा दी है, बाकी डिटेल्स वगैरह दें इस गाड़ी के बारे में, कैसी गाड़ी है सर ये? सर ये फैमिली स्टार है, गाड़ी में कोई काम नहीं है, 2009 मॉडल है और पूरी गाड़ी जेन्युइन है। सीएनजी इसमें एक्टिवेटेड है, 65,000 जेन्युइन चली हुई है, एसी एक्टिवेटेड है और लाइटें वाइटें सब जेन्युइन है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में गाड़ी खड़ी है 10x10। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा सर, आपका गाड़ियों का काम है या अपने घर की गाड़ी? सर ये मेरे घर की गाड़ी है। ठीक है, तकरीबन कितने साल से आपके पास ये गाड़ी? तकरीबन ये 3 साल से गाड़ी हमारे पास। 3 साल से जो है ये आप चला रहे हैं गाड़ी। अच्छा क्या एवरेज वगैरह करती है ये गाड़ी? तकरीबन पेट्रोल पे दे रही है 11-12 एवरेज लॉन्ग रूट। 11-12 दे रही है। और फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है? ये पहले चाचू के नाम पर थी या बब्बू के नाम पर? ठीक है, यानी कि फैमिली में ही चल रही है आपकी शुरू से, यानी कि। तो भाई ये आप लोग चेक कर लें, भाई बोल रहे हैं कि भाई पहले चाचू के पास थी, अब माशाल्लाह से इनके पास थी, अब जो है ये गाड़ी वो सेल कर रहे हैं। अच्छा पूरी ओरिजिनल का मतलब है बंपर छोड़ के पूरी ओरिजिनल पूरी चेक करवाते हैं? खुदा ना खासा पैसे दाया तो नहीं होंगे? गारंटी वाला सीन है। ठीक है जी, क्या पैसे सर? बिल्कुल मुनासिब अब मुझे पैसे बोलिएगा सर। 10.5 लाख। डरे ना लोग, 10.5 लाख में फाइनल करनी है सर। 10.5 में बिल्कुल फाइनल है? बिल्कुल फाइनल करनी है, नया चीज़ है सर। बात ये सर में चली कम है, 65,000 चली। 65,000 चली ओरिजिनली, 65,000 और गाड़ी जीरो कंडीशन में खड़ी आपके सामने। सो देख लें भाई, जिसको भी भाई को ये गाड़ी पसंद आती है और जो लोग खास तौर पर बोल रहे होते हैं कि भाई ओरिजिनल गाड़ी चाहिए, कम चली हुई गाड़ी चाहिए, तो उनके हिसाब की गाड़ी पैसों में ऊपर है मार्केट से, लेकिन ये कि बहुत ऊपर है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला आप बातचीत करें, अच्छी ऑफर लगाएं, तो क्या पता आपकी बातचीत बन जाए। अच्छा आपको कोई अच्छी ऑफर लगी हो मार्केट में? 10 लाख की ऑफर लग गई। 10 लाख की जबरदस्त यार, अच्छी ऑफर लगी है। 10.25 में फाइनल कर, 10.25 में लेकिन आपने फाइनल कर लिया। तो अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। 0033229672 9679633131। और कराची में कहाँ देखेंगे गाड़ी? गुलशन-ए-मेमार। ठीक है, गुलशन-ए-मेमार में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। 2011 मॉडल कोरे हमारे पास मौजूद है। तो जो भी भाई हमारे बोलते हैं ना कि एहसन भाई ओरिजिनल गाड़ी जो है वो चाहिए, अच्छी कंडीशन की गाड़ी चाहिए, कलर वाली गाड़ी ना हो, तो उन भाइयों के लिए जो है ये गाड़ी है। बाकी एक गाड़ी पहले आप लोगों को जो है वो दिखाते हैं, फिर इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन गाड़ी के ऑनर से हम लोग मालूम करेंगे। गाड़ी की बैक साइड की दोनों लाइट्स आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी, यानी कि कोई चीज़ इसमें ब्रेक जो है वो नहीं है, टूटी फूटी नहीं है। बाकी टायर्स वगैरह की बात करें तो नॉर्मली व्हील कैप वगैरह लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, टायर की कंडीशन सही है, लेके आप लोग चला सकते हैं। अच्छी कंडीशन में आप लोगों को टायर्स मिल रहे हैं। गाड़ी की रूफ़ आप लोग जो है वो नज़दीक से यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें। बाकी चलते हैं, चल के इसका एक पूरा ओवरव्यू फ्रंट से आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी का। सो फ्रंट साइड पे हम लोग आ चुके हैं, फ्रंट साइड से भी गाड़ी आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो गाड़ी के लाइट्स जो है वो देख लें फ्रंट से, दोनों लाइट्स गाड़ी की बिल्कुल क्लियर हैं। बोनट वगैरह हल्की फुल्की जो फाइडिंग आप लोगों को नज़र आ रही है वो इस वजह से कि भाई इन्होंने ओरिजिनल जो है वो रखी हुई है। बाकी चलते हैं, चल के गाड़ी का इंजन रूम वगैरह देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से जो है मिलती है। तो यहाँ से इंटर हो जाते हैं भाई गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। ये आप लोग जो है वो देखें सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट साइड, दोनों साइडें मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। गाड़ी के कुप्पे आप लोग नज़दीक से जो है वो देख लें एक नज़र, पूरा एक ओवरव्यू। बैक की जो फायर वॉल होती है वो भी आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो देखें। सो ये कम्प्लीट व्यू है गाड़ी का, गाड़ी आप लोगों ने जो है वो देख ली। बाकी चलते हैं, चल के गाड़ी का इंटीरियर आप लोगों को एक नज़र दिखाते हैं, इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से मौजूद है। अच्छा उस टाइम पे भाई चेक कर रहे थे एक गाड़ी, तो मैंने बोला यार उनको डिस्टर्ब नहीं करते, पहले उनको देखने देते हैं फिर हम देख लेंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है वो गाड़ी के दरवाजे एक नज़र जो है वो देख लें, गाड़ी की जो डोरियाँ वगैरह हैं ये सारी नीचे की साइडें वगैरह हैं ये आप लोग देखें, डोर पैनल्स, नीचे से गाड़ी के फुटपाथ, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स। अंदर से बात की जाए गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। सीट कवर्स में आप लोग को जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग जो है वो गाड़ी के सीट कवर्स देख लें। तो पूरा अंदर से भी इन्होंने प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है। बाकी बैक साइड से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ,
यहाँ से भी आप लोग देखेंगे नीचे की साइड है ऊपर से पिलर, और इसी तरीके से जो है वो गाड़ी की नीचे वाली साइड है दरवाज़ों की। चलते हैं, चल के गाड़ी के ऑनर से बातचीत करते हैं, इसकी मज़ीद मालूम लेते हैं कि क्या डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गाड़ी के ऑनर सर। गाड़ी तो हमने जो है वो दिखा दी, नो डाउट गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपने रखी हुई है, इसकी डिटेल हमारे साथ शेयर करें। गाड़ी चलने में कैसी है, इंजन कैसा है, सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का? सर इंजन अपना है 1,08,000 चली हुई है गाड़ी, सस्पेंशन ओके है, टायर ब्रांड न्यू डले हुए हैं, बॉडी में बिल्कुल टचअप नहीं है, पूरी जेन्युइन गाड़ी है। अच्छा, पूरी जेन्युइन है, कोई टचअप नहीं गाड़ी के अंदर, फुटपाथ वगैरह, दरवाजों के नीचे के कॉर्नर कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा CPLC टैक्स, नंबर प्लेट, हर चीज़ क्लियर है गाड़ी, हर चीज़ जो है वो गाड़ी की क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि एवरेज वगैरह क्या कर रही है गाड़ी? सर ये तकरीबन 15 का एवरेज दे रही है। 15 का एवरेज जो है वो दे रही है। क्या डिमांड चल रही है सर इस गाड़ी की अभी मार्केट में? सर ये 2011 मॉडल है, तो उसकी डिमांड कर रहे हैं 9,40,000 रुपये। 9,40,000 रुपये, और देने वाले सर रिजनेबल पैसे? सर वो आपके रेफरेंस आएंगे तो अच्छी खासी गुंजाइश कर देंगे उसमें। ठीक है, 9 से नीचे बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई ये देख लीजिएगा, पैसे बताने का मकसद ये है कि देख लीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जो चीज़ बातचीत करेंगे, अच्छे पैसे लगाएंगे तो बात बन जाएगी। अपना नंबर भी शेयर कर लीजिएगा भाई, 0330-0330-2859-2859-403-403। तो भाई ये भाई का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम दे सकते हैं। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। 99-2006 जैपनीज ऑल्टो। भाई जो लोग बोलते हैं कैसन भाई पुराने शेप में जैपनीज ऑल्टो कहाँ है मार्केट से, तो भाई यहाँ है गाड़ी, आप लोग जो है वो देख लें, ऊपर से गाड़ी ये शावर्ड है, अंदर से जो है वो गाड़ी जेन्युइन है। तो जिन भाई ने भी रिक्वेस्ट करी हुई थी तो देखने भाई, काफ़ी मुश्किल से मुझे जो है मार्केट में मिली है, अभी इतनी मुश्किल से ढूंढ के निकाली है, तो आपने लाइक जो है वो वीडियो को लाजमी करना है। गाड़ी आप लोगों को जो है वो पूरा एक ओवरव्यू दिखाते हैं मेरे साथ साथ, गाड़ी जो है वो आप लोग देखें, सारी साइडें वगैरह मैं गाड़ी की आप लोग को जो है वो विज़िट करवा रहा हूँ, ये आप लोग जो है वो चेक करें, गाड़ी की बैक साइड वगैरह भी आप लोग जो है वो यहाँ से देखें। तो जिन्होंने भी बोला हुआ था भाई भाई देख लो, रेट बहुत हाई हुए हैं मार्केट के, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो गाड़ी के ऑनर हैं जब मैं उनसे बातचीत करूँ तो इस गाड़ी के भी अच्छे रेट जो है वो आप लोगों के लिए करवा दूँ। तो गाड़ी की बैक साइड देखी, गाड़ी का फ्रंट साइड आप लोगों ने जो है वो एक नज़र देखा, बाकी गाड़ी की डिग्गी वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो चेक करवा, आप लोग चेक कर लें, गाड़ी की डिग्गी भी आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा रहे हैं। तो प्रॉपर इन्होंने शेड्स वेड्स रखे हुए हैं गाड़ी के अंदर, ऊपर की साइड है आप लोग देखें, इसी तरीके से पूरा एक ओवरव्यू आप लोग गाड़ी की जो डिग्गी की सीलें हैं वो आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें। तो काफ़ी पुराना मॉडल है लेकिन बहुत मेंटेन करके इन्होंने जो है वो गाड़ी को रखा हुआ है। नीचे की साइडें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये आप लोग चेक कर लो, नीचे की साइड सारी प्रॉपर, यानी कि गाड़ी इन्होंने अंदर से मेंटेन रखी हुई है। चलते हैं, चल के गाड़ी के दरवाजे वगैरह देखते हैं, दरवाजे किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलते हैं गाड़ी के। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो हम लोग इंटर हो रहे हैं, ये आप लोग चेक कर लें, नीचे की सारी साइडें वगैरह, गाड़ी की डोरियाँ क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, गाड़ी के डोर पैनल्स देखें, ऊपर से जो है वो गाड़ी के पिलर्स आप लोग एक नज़र जो है वो यहाँ से देख लें। बाकी इसी तरीके से अंदर से सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से गाड़ी की सीट्स वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी न्यू जो है, यानी कि इन्होंने सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगाए हुए हैं। तो जिन भाई ने भी बोला था भाई 660 CC ऑटोमेटिक जैपनीज गाड़ी, तो फिर दोबारा से मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि देखें ये गाड़ी मिलती नहीं है मार्केट से इतनी आसानी से, काफ़ी मुश्किल से ये मिलती है, बहुत कम होती हैं, और जो होती हैं तो फिर वो अपनी डिमांड में बेच रहे होते हैं गाड़ियाँ लोग। तो डैशबोर्ड वगैरह भी देख लें, गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह भी आप लोगों को साफ़ नज़र आ रहा होगा। बाकी इसके अलावा ऑटो ट्रांसमिशन, सीट फ्रंट की भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है वो आप लोगों को यहाँ से जो है वो मिल रही हैं। चलते हैं, चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है। ये आ चुके हैं हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, यहाँ से गाड़ी का इंजन रूम आप लोग को दिखाते हैं। तो नॉट आउट भाई इंजन रूम जो है वो बहुत सुथरी कंडीशन में है, आप लोग ये चेक कर लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा होगा। सारी साइडें वगैरह देखें, बैक की शील्ड आप लोग जो है वो देख लें। अच्छा, जैपनीज़ गाड़ियों की मुझे एक यही चीज़ जो है वो पसंद है कि इसका इंजन रूम पे ना रस्ट इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि इन्होंने कोडिंग वगैरह इस तरीके से करी हुई होती है कि इंजन रूम वगैरह गाड़ी का साफ़ रहता है। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं, चल के जो गाड़ी के ऑनर हैं ज़रा उनसे बातचीत करते हैं, मज़ीद मालूम लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा भाई जिनकी ये गाड़ी है। सर सबसे पहले तो ये बताएं सर, ये गाड़ी ढूंढी कहाँ से आपने? सर ये बहुत मुश्किलों से मिली है हमें, कस्टमर से उन्होंने एक्सचेंज करी थी हमसे गाड़ी, तो वहाँ से मिली है उन्होंने, स्टॉक गाड़ी रखी हुई थी उन्होंने। अभी ये गाड़ी कैसी है चलने में, इंजन, सस्पेंशन? आउटस्टैंडिंग गाड़ी है ये, बहुत एसी, सस्पेंशन, हर चीज़ से ओके गाड़ी है। ठीक है। अच्छा, इंजन वगैरह इसका अपना ही है, चेंज है? जी, इंजन अपना है इसका, अपने इंजन पे है। और क्या एवरेज करती है 660 CC? सर ये तकरीबन 14 का एवरेज दे रही है। 14 का जो है ये एवरेज दे रही है गाड़ी। और चली भी कितना अपने इंजन पे है? सर ये तकरीबन 1,30,000 चली हुई है। 1,30,000 चली हुई। अच्छा, ऊपर से कलर ये आपने खुद करवाई है गाड़ी, या इसी तरीके से ली? इसी तरीके से ली थी मैंने। ठीक है। खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है सर, CPLC टैक्स, नंबर प्लेट, हर चीज़ क्लियर है गाड़ी की। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर? सेकंड ओनर पे। सेकंड ओनर जो है ये गाड़ी है सर, क्या पैसे हैं इसके? बिल्कुल देखें, मार्केट सूरत हाल आपके सामने है, तो पैसे मुझे ऐसे बोलिए कि अगर कोई लेने वाला बैठा हो ना तो बोले हाँ यार मैं हमजा भाई से बातचीत कर लूँ, मेरा सौदा बन जाए, ऐसे रेट देते हैं मुझे। सर ये आपको दे देंगे तकरीबन 11,30,000 रुपये में। ठीक है, 11,30,000 रुपये में। तो भाई देख लें भाई, जो लेने वाले हजरात हैं वो रेट पहले टच कर लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को रेट पता नहीं है भाई, ऑनलाइन हर चीज़ पता चल जाती है, तो पहले चेक करें, अगर फिर गाड़ी समझ में आती है तो हमजा भाई से कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला जो कमी पेशी वगैरह होगी इसके अंदर और मजीद हो जाएगी। हमजा भाई अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। 0330-0330-2859-2859-403-403। तो ये जो है वो नंबर है हमजा भाई का, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मजीद मालूम ले। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत हमजा भाई। 2008 मॉडल की ऑल्टो हमारे पास मौजूद है भाई, गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी जो है ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बाकी गाड़ी के ऑनर जो है ये बोल रहे हैं कि भाई कोई एक पीस भी जो है वो गाड़ी के अंदर हमने जो है वो टचअप नहीं करवाया हुआ है, गाड़ी पूरी ओरिजिनल रखी हुई है। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई पहले गाड़ी हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद जो गाड़ी के ऑनर हैं जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो मज़ीद सवाल कर लेते हैं भाई, जो भी चीज़ हमारी समझ में नहीं आती वो हम उनसे मालूम कर लेते हैं। गाड़ी देखें फ्रंट से बिल्कुल साफ़ है, कोई स्क्रैचेस, कोई डेंट देखें, हल्के फुल्के जो ये आप लोगों को रूखे डेंट निकले हुए नज़र आ रहे होंगे फ्रंट पे हो गए या फेंडर पे हो गए, इसकी वजह से इन्होंने सूखे निकलवाए हुए, कि कलर हो जाती है तो फिर आप लोगों को पता है कि फिर उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो चलें आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू जो है वो देते हैं गाड़ी का, किस तरीके से आप लोगों को गाड़ी मिल रही है, मेरे साथ साथ जो है वो गाड़ी आप लोग देखें। तो गाड़ी नो डाउट अच्छी आप लोगों को जो है मिल रही है, तो जो भी भाई हमारे बोल रहे थे कहते हैं भाई पीछे के मॉडल में कोई अच्छी गाड़ी हो तो दिखा दीजिएगा, तो ये गाड़ी देख लीजिएगा, पैसों में थोड़ी ऊपर होगी लेकिन अभी देखें बातचीत करते हैं, क्या पता भाई कोई अच्छी ऑफ़र दे दें, लेकिन ये कि बातचीत करने से ही बनती है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कोई अच्छी गाड़ी भी देखा करें ना तो उसकी अच्छी ऑफ़र लगाया करें हमेशा, अगर लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बंदा मोहल्ला 8 लाख रुपए आप उसको बोलें 6 लाख रुपए ले लो तो वो गलत बात हो जाती है, मुनासिब आसपास लगाया करें पैसे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग के सौदे बनेंगे। बाकी आप लोग यहाँ से भी जो है वो गाड़ी देखें, पूरा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बैक की लाइट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, गाड़ी के दरवाजे आप लोगों को जो है वो चेक करवा देते हैं किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है, यहाँ से भी दिखाते हैं, ये आप लोग जो है वो देखें दरवाजे वगैरह आप लोग जो है वो देखें, गाड़ी के डोर पैनल्स आप लोग देख लें, तो नो डाउट अंदर से भी नीट एंड क्लीन इन्होंने गाड़ी जो है वो रखी हुई है। गाड़ी की फुटपाथ आप लोग देख लें, और ये कौन बैठा हुआ है भाई, तो वो भाई अंदर इनके साथ दादे बैठे हैं। बाकी आप लोग पिलर्स वगैरह यहाँ से जो है वो एक नज़र देख लो, तो ये भी जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल रबर्स वगैरह लगा के प्रॉपर जो है वो अच्छे से रखी हुई है गाड़ी। बैक साइड का डोर भी हम आपको जो है वो दिखाते हैं किस तरीके से मौजूद है, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, नीचे की साइडें जो है वो आप लोग देखें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स आप लोग एक नज़र जो है वो देखें, इसी तरीके से दरवाज़ों की सारी साइडें मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ, डोर पैनल्स, यानी कि गाड़ी नॉट आउट इन्होंने अंदर से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, फैब्रिक वाले जिस तरीके से आते हैं कंपनी वाले उसी तरीके से गाड़ी इन्होंने मेंटेन रखी हुई है। चलते हैं, चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से, अच्छा यहाँ से डिग्गी मेरे ख्याल से खुलेगी नहीं, तो इसको देख लेते हैं, है स्पेस है, डिग्गी खुल जाएगी, ये बिल्कुल खुल जाएगी, हाँ खुल जाएगी भाई, है स्पेस, तो ये भी आप लोगों को जो है वो दिखा देते हैं। तो सर कंपनी फिटेड जी, फैक्ट्री तो फैक्ट्री फिटेड CNG, फैक्ट्री फिटेड AC, ठीक है, फैक्ट्री फिटेड जो है वो CNG आप लोगों को इसके अंदर नज़र आ रही होगी, ये आप लोग देख लें, ठीक है, इसी तरीके से ऊपर से जो डिग्गी की सारी सीलें वगैरह हैं वो आप लोग देखें, मैं आप लोगों को यहाँ से पूरा एक ओवरव्यू जो है वो दे रहा हूँ, तो ये एक व्यू है गाड़ी का। बाकी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आप लोग नीचे से भी दिखा देते हैं, तो ये आप लोग देख लें दोनों साइडों से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी चलते हैं, अब चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिलती है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं इंजन रूम की तरफ, तो इंजन रूम भी आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा रहे हैं, यहाँ से आप लोग सारी फ्रंट साइड वगैरह जो है वो आप लोग देखें, यहाँ से मैं आप लोगों को नीचे से कुप्पे वगैरह भी जो है वो एक नज़र दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोग जो है वो पूरा एक ओवरव्यू देख लें गाड़ी की, फायर वॉल वगैरह भी मैं आप लोगों को यहाँ से नज़दीक से जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी दूसरी साइड के कुप्पे की बात करें इसी तरीके से, तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो देख लें, तो ये पूरा जो है वो ओवरव्यू है गाड़ी का, मैंने गाड़ी आप लोगों को अच्छे से दिखाई, गाड़ी के ऑनर से बात कर लेते हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं भाई गाड़ी का क्या हिसाब है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल भाई जिनकी ये गाड़ी है, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या मॉडल लाए हैं गाड़ी का? 8 मॉडल है। 8 मॉडल गाड़ी, कैसी गाड़ी है सर? इंजन, सस्पेंशन, बॉडी से? A1 टायर, A1 सस्पेंशन, A1 पूरी गाड़ी जेन्युइन पेंट है, कोई पीस टचअप नहीं है। ठीक है सर, एक भी पीस कोई टचअप नहीं, कोई है, भी पीस, यानी कि कोई इंस्पेक्शन करवाता है या कुछ चेक करवाता है हमारा सब्सक्राइबर? बिल्कुल बिल्कुल चेक करा, बेफिक्र होके जो है वो करवा ले। ठीक है, CPLC टैक्स, नंबर प्लेट, हर चीज़
क्लियर होगा। एसी सीएनजी पेट्रोल तीनों चीजें इस गाड़ी की वर्किंग में, बिल्कुल वर्किंग में। ठीक है, यानी कि अभी कोई बायर अगर परचेज करता है उसको कुछ करवाने की जरूरत बिल्कुल ले और चला, बिल्कुल बिल्कुल चला। कितना चली हुई गाड़ी बताई सर ये आपने मुझे? तकरीबन समझ लो कि 61,000 किलोमीटर चली है। 61,000 जो है ये चली, और एवरेज वगैरह तकरीबन क्या करती है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तकरीबन 14-13-12 14 से ऊपर ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह, 14 से ऊपर ही जो है वो अगर मेरे जैसा चलाए तो। ठीक है सर, क्या पैसे रखें? देखें मैंने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था कि भाई पैसे थोड़े ऊपर होंगे तो, लेकिन आप फिर भी अपनी कोशिश ये करिएगा कि मुझे बॉटम बता दें ताकि जो लोग देख रहे हो ना अच्छी गाड़ी लेने वाले तो बोले हाँ यार बात करते हैं 19-20 में बात बन जाए। भाई ये फाइनल जो है ना 9,10,000 रुपये में, 9 लाख रुपये लग चुके हैं इस गाड़ी के। अच्छा 9 लाख रुपये लग चुके हैं आपको? 9,30,000 मांग रहा हूँ। ठीक है 9,30,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये कि पैसे लग चुके हैं आप लोगों को बता दिए, तो देख लीजिएगा भाई जिन्होंने रिक्वेस्ट करी हुई थी कि ओरिजिनल गाड़ी हसन भाई चाहिए तो उन भाइयों के लिए गाड़ी देखें। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि जो ओरिजिनल गाड़ी होगी मार्केट से ऊपर पैसों में मिलेगी, बाद में मुझे शिकायत नहीं करना। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, बातचीत करिएगा भाई से, इंशाल्लाह ताला आपका सौदा बन जाएगा। सर अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। ले लेना मेरा नंबर 0331-0231-2210-2210-413-413। और कराची में कहाँ देखेंगे सुहेल भाई? ये शादमान में देख सकते हैं, शादमान टाउन। ठीक है, इस लोकेशन पे ही गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो भाई बहुत बहुत आप सब लोगों का जिन लोगों ने ये वीडियो जो है वो पूरी देखी। बाकी मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलूंगा कि कोई भी आप वीडियो देखा करें उसको कम्प्लीटली देखा करें। जैसे कोई गाड़ी आपको पसंद आ जाए वीडियो के अंदर तो उसका कम्प्लीटली रिव्यू देखा करें। बातों की ऐसी ऐसी जगह होती है कि मैं उसमें जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा होता हूँ आप लोगों को नहीं पता होती हैं। लास्ट संडे वाली वीडियो में आपने देखा कि भाई हमने जो है वो एक गाड़ी दिखाई थी थोड़ी हल्की कंडीशन की, जिसकी जो है वो रेट काफ़ी कम थे। तो वो मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ, एक एक पार्ट आप लोगों के इंजन रूम अच्छे से दिखा दूँ, गाड़ी की डिक्की अच्छे से दिखा दूँ ताकि कोई एक्सीडेंट गाड़ी हो तो वो आप लोगों को पता चल जाए। बाकी यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी तो भाई वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं हमारे फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे जाके आप लोग जो है वो गाड़ी का नाम लिख सकते हैं, गाड़ी का मॉडल लिख सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे जब भी हम जो है वो मार्केट जाएंगे तो आपके लिए भी गाड़ी जो है वो जरूर ढूंढेंगे। इसके अलावा शोरूम जाएंगे तो वहां पर भी अगर कोई गाड़ी आपके लिए नजर आई तो जरूर जो है वो ऐड करेंगे। वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।